आपके विंडोज 7 में जितने भी वायरसेस वगैरह आपका कलेक्ट हो गए हैं, और जिस कारण से जो आपका सिस्टम जो है, आपका विंडोज 7 जो है वो स्लो वर्क कर रहा है, तो उन सभी वायरसेस को मैं आपको परमानेंटली डिलीट करने के लिए बताऊंगा, मैंने परमानेंटली मैं आपको रिमूव करने के लिए बताऊंगा। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज की स्टार्ट मेनू में जाना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। और आपके सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे व्यू बाई कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स कर लेने के बाद और आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे विंडोज डिफेंडर के नेम से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज डिफेंडर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है, मैंने इस विंडोज डिफेंडर को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो विंडोज डिफेंडर यहाँ पे ओपन हो चुका है, और ये जो विंडोज डिफेंडर है ये आपके विंडोज 7 का ऑफिशियल एंटीवायरस है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑफिशियल एंटीवायरस है और ये फ्रीली अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको स्कैन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको स्कैन ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्विक स्कैन, फुल स्कैन और कस्टम स्कैन का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्विक स्कैन पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो सी ड्राइव है, ओनली यहाँ पे सी ड्राइव का ही जितना भी वायरसेस है, यहाँ पे उन सभी वायरसेस को यहाँ पे सिर्फ स्कैन किया जाएगा, माने अगर आप यहाँ पे क्विक स्कैन करते हो तो। अगर आप यहाँ पे फुल स्कैन करते हो तो आपके सिस्टम का जितना भी ड्राइव्स है, जितना भी आपका स्टोरेज वगैरह है, वो सभी को यहाँ पे स्कैन करेगा, माने आपके फुल सिस्टम से यहाँ पे आपके वायरसेस को रिमूव करेगा, अगर आप यहाँ पे फुल स्कैन पे क्लिक करते हो तो। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कस्टम स्कैन का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह यूज़ कर रहे हो, स्टोरेज डिवाइस वगैरह, जैसे मान के चलिए पेन ड्राइव या थंब ड्राइव, इस तरह के स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर रहे हो या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कस्टम स्कैन पे क्लिक करके आप उस डिवाइस को आप स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्विक स्कैन पे ही, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने स्कैन करता हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको फुल स्कैन ही करना है, मैंने आप जब भी कीजिएगा तो आप यहाँ पे फुल स्कैन कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्विक स्कैन पे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा सी ड्राइव का जो स्कैनिंग है यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा स्कैन हो रहा है। और जैसे मान के चलिए अगर आप यहाँ पे फुल स्कैन करते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे फुल स्कैन करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्कैनिंग होने में आपको हो सकता है 30 मिनट का भी टाइम लगे, या आपको 1 आवर या 2 आवर का भी आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन है स्कैनिंग का टोटल, आपको हो सकता है 2 आवर का भी आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिले। तो वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा स्कैनिंग से रिलेटेड। तो आपको इस प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है, और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस को आपको 1 वीक में एटलीस्ट आपको कम से कम 2 बार जरूर इसे परफॉर्म करना है, जो स्कैनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब स्कैनिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको 1 वीक में एटलीस्ट 2 बार जरूर करना है। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस रहेंगे वो हमेशा रिमूव होते रहेंगे और आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहेगा। तो आपको इस पहले वाले प्रोसेस को करना है। अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है, और आपके सामने रन प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम में आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्लीन एम जी आर का ये कमांड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, क्लीन एम जी आर। तो आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन उसके बाद आपको इसे ओके कर देना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, देन इसे ओके कर देना है, और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको हो सकता है यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा डिस्क क्लीन अप से रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जितना भी ये कंटेन है, इन सभी कंटेन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स है, अनवांटेड अनयूज्ड कंटेन है जो आपके यूज़ का नहीं है, क्योंकि ये जो कंटेन है ये सभी आपके सी ड्राइव में मैंने स्टोर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ये जो जितने भी फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते ही रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि इन सभी को आपको
परमानेंटली डिलीट कर देना है, क्योंकि इसके कारण भी आपका सिस्टम जो है वो स्लो पड़ जाता है या वायरसेस वगैरह क्रिएट होने लग जाता है। तो आपको करना क्या है कि इन सभी को चेक मार्क करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अगेन आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट करके आपको इसे ओके कर देना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा वेट करना है और आपके सामने वापस से कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा आपके स्क्रीन अप से रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देखते हो। तो यहाँ पे भी आपको इन सभी कंटेंट को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर लेता हूँ, इन सभी को आपको चेक मार्क कर लेना है। अब चेक मार्क कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे फाइनली आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और यहाँ पे आपको डिलीट फाइल्स का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इन सभी को जो अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स जो है इन सभी को आपको डिलीट कर देना है और यहाँ पे मेरा क्लीनअप का यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इज क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है और यहाँ पे मेरा जो क्लीनअप का जो प्रोसेस है यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में भी आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ टेम्प, आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ टेम्प। अब आपको यहाँ पे देन ओके करना है। तो गाइज जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अनवांटेड अननेसेसरी फाइल्स या फोल्डर्स आपको वहाँ पे भी आपका शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी फाइल्स को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है। आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि इन सभी फाइल्स के कारण जी आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है या वायरसेस वगैरह आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इन सभी अननेसेसरी फाइल्स को जो अनवांटेड अनयूज्ड फाइल है आपको उन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है और इसे डिलीट करने के लिए परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे इसे यस कर देना है और यहाँ पे जितना भी अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स था वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ये मेरा थर्ड नंबर प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर में भी आपको वापस से अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ परसेंट टैम्प परसेंट, आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कमांड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके करना है और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा आपको आपके सिस्टम में आप देखोगे आपको भी यहाँ पे बहुत सारा अनवांटेड फाइल्स अनवांटेड फोल्डर्स आपको वहाँ पे शो होगा। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा अनवांटेड फाइल्स और फोल्डर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो आपके यहाँ पे जितना भी अनवांटेड फाइल्स और फोल्डर यहाँ पे जितने भी शो करते हैं तो आपको उन सभी को आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको इन सभी को भी परमानेंटली डिलीट कर देना है सिर्फ प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर देन यस। और हो सकता है कि आपका यहाँ पे कुछ फाइल्स आपके यहाँ पे डिलीट ना हो, जैसे ये मेरा आपको दिख रहा होगा ये फाइल मेरा यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है, तो जो फाइल आपका यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है तो आपको उसे एज इट इज आपको उसे वैसे ही छोड़ देना है। अब आपको इसे क्लोज करना है। अब मैं आपको फिफ्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फिफ्थ नंबर प्रोसेस में भी आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर और रन प्रोग्राम ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रीफिच, आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रीफिच में यहाँ पे टाइप किया हूँ। तो इसे टाइप करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा आपको अनवांटेड फाइल्स और फोल्डर यहाँ पे शो होगा, तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा शो नहीं हो रहा है, तो आपको उसी तरह उन सभी फाइल्स को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी तरह आपको यहाँ पे भी परमानेंटली डिलीट कर देना है और ये जो फाइल्स होते हैं ये आपके सी ड्राइव में ही कलेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये जो फाइल्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते ही रहते हैं। ये फाइल्स क्रिएट होने से क्या आपका नुकसान होता है, जैसे मैं आपको बता दूं आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है या वायरसेस वगैरह या फर्मवेयर वगैरह क्रिएट होने लग जाता है और जिस कारण से आपका जो सिस्टम है वो स्लो भी पड़ जाता है। तो आपको इन सभी को क्लियर कर देना है और क्लियर करने के बाद अब मैं आपको सिक्स नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ कि सिक्स नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। सिक्स नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू जाना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डीफ्रेगमेंट, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिस्क डीफ्रेगमेंटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन को मैंने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे आपको मेरा
थ्री ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। अगर इनकेस अगर आपका और भी ड्राइव रहता है, एफ ड्राइव या जी ड्राइव रहता है क्रिएटेड, तो आपको वहाँ पे भी टोटल ड्राइव आपका शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी ड्राइव को आपको एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको इसे एनालाइज करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे एनालाइज डिस्क, आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सबसे पहले इसे एनालाइज करना है, और इसे एनालाइज करने के बाद आपको फिर इसे डिफ्रेगमेंट करना है। और ये डिफ्रेगमेंट हो जाने के बाद, एनालाइज और डिफ्रेगमेंट हो जाने के बाद सी ड्राइव का, तो उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे डी ड्राइव आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर आपको इसे एनालाइज और डिफ्रेगमेंट कर लेना है, और फिर आपको उसके बाद आपको सी ड्राइव को, मैंने जो आपका ई ड्राइव है, आपको उसे एनालाइज और डिफ्रेगमेंट करना है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे लगभग सभी ड्राइव को मैंने डिफ्रेगमेंट करने के बाद, मैंने डिफ्रेगमेंट करने में आपको अप्रॉक्स में आपको बता दूँ कि यहाँ पे हो सकता है आपको 30 मिनट का भी आपको यहाँ पे टाइम लगे, या आपको 1 आवर का भी टाइम लग सकता है, या 45 मिनट का भी आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना देखने को मिलेगा जो एनालाइज और डिफ्रेगमेंट होगा। तो आपको यहाँ पे इन सभी को कर लेना है, एनालाइज और डिफ्रेगमेंट। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोग का HDD लगा हुआ है, जिन लोग के लैपटॉप में या कंप्यूटर में HDD हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो उन लोग के लिए जो ये प्रोसेस है डिस्क डिफ्रेगमेंट का, तो आपको उन लोग को ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन लोग को ज़्यादा मैंने इस प्रोसेस को हमेशा मैंने करते ही रहना होगा। अप्रॉक्स मैं आपको बता दूं कि 1 वीक में आपको एटलीस्ट 2 बार आपको ये प्रोसेस को करते ही रहना है, क्योंकि आप इसे इस प्रोसेस को करोगे तो आपका जो सिस्टम का स्पीड है वो मेंटेन रहेगा और वायरस फ्री रहेगा जो आपका सिस्टम है, अगर आपका SSD लगा हुआ है। और ऐसा नहीं कि SSD जिनका लगा हुआ है वो लोग नहीं कर सकते हैं, SSD जिनका लगा हुआ है उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस करना। तो आपको इस प्रोसेस को एटलीस्ट 1 वीक में 2 बार जरूर करना है, और इसे कर लेने के बाद और आपका जो सिस्टम है वो वायरस फ्री हो जाएगा, और जो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले ज्यादा आपको बूस्टअप आप वहां पे देखने को मिलेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।